रिटायरमेंट ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ उर्दन आर्म्ड फोर्सेस मेजर जनरल यूसुफ अल हन्नात ने पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी से नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में मुलाकात की। हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने CGCS उर्दन आर्म्ड फोर्सेस का इस्तकबाल किया और पाक बहरिया के चाकू चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। इसके बाद मोअज़्ज़िज़ीन ने शहादा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मेहमान खुसूसी का नेवल हेडक्वार्टर्स में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर से तारुफ करवाया गया। बाद इज़ा चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ उर्दन आर्म्ड फोर्सेस ने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दो तरफा तआवुन और इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरा करने वाले मोअज़्ज़िज़ीन ने खित्ते में बहरी सलामती की हिमायत में पाक बहरिया की कोशिशों और वादों को सराहा और उनका एतराफ किया। दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा दो तरफा दिफाई ताल्लुकात के दायराकार को मजीद मुस्तहकम और मुतनव्वे करने का अहद किया। वाज़े रही कि चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ उर्दन आर्म्ड फोर्सेस के दौरे से दोनों मुमालिक के माबैन दो तरफा तआवुन को मजीद तकवीत मिलेगी। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।